हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है शोक गुम है किसी के प्यार में। रीवा के आने के बाद ईशान बावला हो गया है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इसी कारण ईशान का हाल चाल जानने के लिए सभी ईशान को मैसेज करती है, लेकिन ईशान उसका जवाब देता कि उससे पहले रीवा नाम की परेशानी अब कॉलेज से घर पहुंच चुकी है और रीवा के कारण घर में हंगामा बरपा हो गया है। तब ईशान रीवा के पास जाता है जिससे रीवा की उम्मीद बढ़ जाती है, लेकिन ईशान को देख लगता है कि पुराना सामान वो रीवा को लौटाना चाहता है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो अनुपमा। पाकी जब भी मुंह खोलती है उसके मुंह से बस जहर ही निकलता है। एक बार फिर उसने छोटी अनु के लिए कुछ ऐसा कहा कि छोटी अनु घबरा गई। बेबी आने के बाद ये लोग तुझे अनाथ आश्रम छोड़कर आ गए। पाकी जी सर वो लेके आप हमें छोड़ दोगे? छोटी अनु की जिंदगी में जहर घोलने का काम कर रही है पाखी, जिसे सुनकर अनुपमा का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो पाखी को छोड़ देने की बात करती है। ऐसी कोई माँ नहीं है इस दुनिया में जो अपने बच्चों को छोड़ दे, लेकिन कहना चाहिए कि सोगन अगर तू नहीं सुधरी नहीं संभली ने तो मैं तुझे छोड़ दूंगी अम्मे सामने सके। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। अबीरा की शादी जबरदस्ती होने वाली होती है, जिसे अरमान बचाने के लिए पहुँच जाता है और फिर इसी अफरा तफरी में गोली चल जाती है। इसी बीच अक्षरा अबीरा को बचाने के लिए खुद के सीने पर गोली खा लेती है और यहीं से फिर अक्षरा का किरदार अंतिम चरण में चला जाएगा। बोला था ना इस औरत को मैं खून के आंसू रुलाऊंगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो चांद जलने लगा। तारा और देवा अपने डांस में मगन होते हैं, तभी चाची अपना खुराफाती दिमाग का इस्तेमाल करती है जिसके कारण ही घर में आग लग जाएगी। वक्त हो गया है प्लान के आखिरी हिस्से को पूरा करने का। चाची के शातिर दिमाग के कारण एक बार फिर तारा मुसीबत में फंस जाएगी, जिसे कोई और नहीं बल्कि देवा ही बचाएगा। ABP News आपको रखे आगे।